हेलो फ्रेंड्स, आरके ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हमने पार्ट फाइव वीडियो लेकर आए हैं स्नातक श्रेणी से 5.2 का एनसीईआरटी बुक से, ठीक ना। 5.2 का जो है से पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर वीडियो हम बना चुके हैं। आज जैसे हम क्या है पार्ट फाइव वीडियो जैसे मतलब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर क्या है बात करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्वेश्चन में दिया है क्या कि यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद, ठीक है, यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद क्या है शून्य होगा। देखिए इसमें पहले का नाम क्या है कि कोई आपका जैसे मतलब क्या है एपी में संख्या दिया हुआ था। अब कितना दिया हुआ है हमको भी मालूम नहीं है, ठीक ना। एपी में आपका संख्या क्या था दिया हुआ था, और जब एपी में संख्या जब आपका दिया हुआ था तो उसी के बारे में बोल रहा है कि उसी एपी के बारे में कह रहा है क्या कि तीसरा पद जो है तीसरा पद पर आपका संख्या कितना है 4 है और नवे पद पर संख्या कितना था -8 है। तो बोल रहा है क्या कि कौन सा पद उसी एपी में कौन सा पद जो है मतलब क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक ना। तो इससे पहले हम क्या कर लेंगे कि शून्य पद निकालने के लिए पहले इसको हम तीसरा पद और नवे पद से पहले हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बना लेंगे, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना के उससे फिर हम क्या निकाल लेंगे ए और डी का मान निकाल लेंगे। जब ए और डी का मालूम हमको हो जाएगा तब फिर क्या है शून्यवां पद यानी कि कौन सा पद शून्य है तो शून्य भी हम उसको मालूम कर लेंगे, मतलब केवां पद पर जो है से संख्या मतलब शून्य है, ठीक ना। तो देखिए आइए इसको पहले बात करते हैं। ये लिखेगा शून्य, लिखेगा देखिए तीसरा और नवा पद 4 है और -8 है। फिर हम दोहरा दे रहे हैं कि तीसरा पद से कितना है 4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि T3 बराबर हम 4 लिख सकते हैं, तथा नवा पद है तो नवा पद कितना है -8 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं T9 बराबर हम -8 इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए तीसरा पद है तो तीसरा पद बराबर आपको 4 है, यानी कि तीसरा पद पर आपका संख्या जो है से कितना दिया है 4 दिया है, और नवा पद पर जो संख्या है वह कितना दिया है -8 दिया है। तो तीसरा पद का जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होगा a+2d होता है, और बराबर में इसको हम लिख सकते हैं क्या t3। उसी प्रकार से नवा पद का आपका जो फॉर्मूला होता है a+8d बराबर में t9 इसको लिख देंगे। मतलब क्या है कि तीसरा पद का आपका फॉर्मूला लिख दिए, नवा पद का आपका फॉर्मूला लिख दिए। देखिए फिर इसको लिख चलेगा कि a+2d बराबर तीसरा पद है ना, देखिए तीसरा पद पर आपका कितना संख्या दिया है 4 दिया, देखिए तीसरा पद है तीसरा पद पर कितना संख्या है 4 संख्या है, तो तीसरा पद पर जो संख्या है उसको हम 4 यहां पास पुट कर देंगे तो समीकरण हमको क्या मिल जाएगा फर्स्ट समीकरण हमको मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से चलेंगे दूसरा में लेके तो a+8d बराबर नवा पद है, देखिए यहां गौर से तो नवा पद पर आपका कितना संख्या दिया है -8 दिया है, तो नवा पद पर संख्या -8 को जैसे हम क्या करेंगे बैठा देंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे सेकंड इसको मान लेंगे, ठीक ना। अब जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमको मालूम हो गया तब इस समीकरण से हम ए और डी का मालूम जैसे क्या है ज्ञात कर लेंगे। चलिए आइए इसको ज्ञात करते हैं। देखिए कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से चलने पर या फिर हल करने पर लिख सकते हैं। समीकरण देखिए फर्स्ट क्या है a+2d बराबर में 4 है, समीकरण फर्स्ट को जस्ट हम उतार दिए हैं, और समीकरण सेकंड को जस्ट हम उतार रहे हैं a+8d बराबर में कितना -8 लिख दिए। अब यहाँ पास देखिएगा कि यहाँ पास आपका जो है मतलब क्या है एक दूसरे के पद जैसे मतलब बराबर है, एक पद जैसे इसमें बराबर है लेकिन ये पद आपका बराबर नहीं है, लेकिन ये पद जब बराबर है तो क्या है पद आपस में घटेगा,
या तो फिर कटेगा, तो घटेगा कटेगा कब, जब इसका चिन्ह डिफरेंस रहेगा तब, यानी चिन्ह जो है अलग अलग होगा तब ना घटेगा। तो ये आपका दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस में है। इस कंडीशन में इसको हम क्या कर देंगे, इसको चिन्ह को इसको हम चेंज कर देंगे और तब क्या है आराम से ही कटने जो बन जाएगा। यहाँ देखिए प्लस में है, यहाँ पास इसको चिन्ह देंगे हम माइनस का, यहाँ पास प्लस है यहाँ का देंगे माइनस का देंगे, यहाँ पास आपका माइनस है तो क्या देंगे यहाँ पास प्लस का चिन्ह देंगे। जब यहाँ पास हम माइनस का चिन्ह दिए, यहाँ पास आपका प्लस का वैल्यू जो था से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या है, ये माइनस में ये हो गया और ये वो आपका क्या हो गया, प्लस में हो गया। तो ये माइनस में ए और ये प्लस में ए कट गया, या तो फिर घटाइएगा तो क्या आएगा, जीरो आपको आएगा। अब आठ डी में से टू डी घट जाएगा, काहे कि अब ये माइनस में है, प्लस का वैल्यू खत्म इसका हो गया, ठीक ना, इसी इसको माइनस दिए तो माइनस का वैल्यू हो गया और प्लस का इसका पहले जो था आपका चिन्ह उसका वैल्यू खत्म हो गया। तो आठ में से दो घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस छ डी बचेगा, बराबर बराबर था बराबर दे दिए। अब देखिए यहाँ पास जो प्लस दिए तो इसका भी माइनस का चिन्ह क्या वैल्यू खत्म हो गया, अब वैल्यू किसका बन गया, प्लस का वैल्यू बन गया। तो प्लस में आठ और प्लस में चार, तो आठ चार कितना हो जाएगा बारह, इसको काट देंगे तो डी बराबर माइनस को बारह बट्टा सिक्स, माइनस को भेज दिए हैं तो छः गुना के बारह, तो डी बराबर कितना आ गया हमको, माइनस टू आ गया। अब डी बराबर हमको दो आ गया, तो उसी प्रकार से थोड़ा ए के मान निकालना है, इसको यहाँ लेके आगे चलते हैं। देखिए कि समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट में रखिए या तो समीकरण क्या है सेकंड में रख के आप डी का मान रखिए, ए के मान जिसे क्या निकाल सकते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ पास आप फर्स्ट में लिख दे उसे कोई मतलब नहीं है, आप सेकंड भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट समीकरण क्या है, यही ना आपका दिया है, उसको लिखेंगे ए प्लस टू डी बराबर में क्या लिख देंगे, चार लिख देंगे, ए है तो ए बराबर तक कुछ भी नहीं दिया, ये निकालना है तो ए प्लस टू इंटू डी, डी बराबर देखिए आपका सर कितना है माइनस दो दिया है, तो माइनस इसको दो लिख देंगे, ठीक है, और बराबर में कितना है चार, इसको चार लिख देंगे। अब यहाँ लिखिए आपकी ए प्लस से गुना होगा माइनस में, तो माइनस और दो गुना कितना हो जाएगा चार, बराबर में चार हो जाएगा, तो ए बराबर चार बराबर की साइड है तो माइनस में, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस चार हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आठ, यानी कि चूंकि ए बराबर जो है आपको आठ आ गया और डी बराबर जो है आपका क्या आ गया, माइनस दो आ गया। तो अब देखिए ए और डी जब मालूम हमको हो गया तो फिर लास्ट में आप क्या बोला है, तो इसका शून्य यानी कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक ना, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब हमको एन के मान निकालना है, क्या के मान निकालना है, कोई एक एपी था और उसी एपी में ठीक ना कौन सा पद क्या था शून्य था, तो हमको एन के मान क्या है निकाल देना है, और जो शून्य जो आपका जो है संख्या है ठीक ना, अरे आम के रूप में भी बोल दीजिए, तो शून्य संख्या जो है तो शून्य आपका क्या है, आपका एक लास्ट टर्म आपका बन जाएगा उस कंडीशन में। इसमें यहां लिखेगा पुनः कि कौन सा पद शून्य है, इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि एनवा पद क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एनवा पद क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक ना, तो निकालना क्या हमको है, निकालना है एन निकालना है, माने केवा पद पर संख्या जो है हमको शून्य आएगा। यहां देखे तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। देखिए यहाँ टी एन बराबर क्या दिया है जीरो दिया है, बराबर ए, ए बराबर क्या दिया है आपको सर आठ आ गए है, प्लस एन क्या है निकालना है छोड़ दीजिए वन, डी क्या है माइनस दो आया है तो माइनस दो इसको पुट कर दे, देखिए यहाँ डी बराबर है ना माइनस दो, ये माइनस दो यहाँ बैठा दिए हैं, जीरो बराबर आठ हो गया प्लस, देखिए माइनस दो से गुना हो जाएगा एन में तो क्या हो जाएगा माइनस टू एन, और माइनस से माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस दो हो जाएगा। देखिए बराबर की इस साइड है ना आठ तो प्लस में है, बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आठ, और जीरो था तो जीरो में कुछ है नहीं तो इसको हटा दिए बराबर। अब यहाँ देखिएगा कि ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में इसको तोड़ दीजिएगा तो माइनस टू एन प्लस में टू बचेगा तो माइनस आठ बराबर के देखिए साइड इसको भी लाएंगे साइड तो माइनस में जाएगा कितना दो हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में
माइनस टू एन केवल यहाँ बच जाएगा। अब इसको देखते हैं, माइनस आठ और माइनस दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस दस हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस टू एन हो जाएगा। तो माइनस टू एन बराबर माइनस दस, उल्टा पलटी खाली कर दिया है, ए माइनस सी माइनस कट गया, दो पचे दस, यानी कि एन बराबर जो हमको बस कितना गया पांच, यानी पांचवा पद पर जो है हमको जो संख्या जो होगा वह क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा पद पर क्या हो जाएगा, हमको जीरो हो जाएगा, वो भी देखे ना, तो जांच भी इसको दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। ऐसे तो आंसर आपका यहीं तक आपका हो गया, देखिए ना तो यहाँ पास थोड़ा लिख रहे हैं, लिखेगा कि अतः, ठीक ना, अतः पांचवा पद पर, पांचवा पद पर शून्य होगा, ये आंसर हो गया, यानी कि n बराबर पांचवा पद पर आपका शून्य हो जाएगा। देखिए इसको जांच करके थोड़ा देखा गया, ठीक ना। देखिए पांचवा पद, तो पांचवा पद का आपका फॉर्मूला सर क्या होता है, पांचवा पद का आपका फॉर्मूला होता है क्या, डी फाइव बराबर ए प्लस फोर डी होता है ना, डी फाइव बराबर ए बराबर सर कितना होता है, देखिए ए बराबर दिया है आपको कितना, आठ दिया है, प्लस फोर इंटू डी, डी बराबर कितना दिया है, माइनस दो, डी फाइव तो आठ, प्लस से गुना होगा माइनस में तो माइनस, और चार गुना के आठ, माइनस आठ है वो प्लस आठ कट गया, तो क्या बच गया, डी पांच बराबर जीरो। देखिए आ गया, ही ना बोल रहा था कि पांचवा पद पर संख्या क्या है, शून्य है, माने केवल पद पर संख्या शून्य होगा, तो पांचवा पद पर संख्या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये आपका जांच के रूप में है, ठीक ना। चलिए ठीक है, अगला वीडियो देखिए चलते हैं, कि नौ है दस क्वेश्चन बनाते हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए दस क्वेश्चन क्या बोले हैं, दसवां आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिख रहे हैं किसी एपी का सत्रहवां पद, किसी एपी का सत्रहवां पद उसके दसवें पद से, उसके दसवें पद से सात अधिक है, सात अधिक है, इसका सार मंत्र याद करें, इसका सार अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना, यही है इसका सार अंतर ज्ञात करना। देखिए इसमें बोल रहा है क्या, किसी एपी का कोई एक एपी में था संख्या का पद मतलब दिया हुआ था, जिसमें बोला था कि सत्रहवां पद उसके दसवें पद से सात अधिक है, माने कोई एक एपी था और उस एपी में सत्रहवां पद जो था वह दसवें पद के संख्या से सात ज्यादा था, कौन था सात ज्यादा, सत्रहवां पद था सात ज्यादा, ठीक ना। तो बोल रहा है कि उसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर का मतलब डी उसका क्या होगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसको, लिखिए सॉल्व, देखिए फिर से क्वेश्चन करा दे रहे हैं, किसी एपी का सत्रहवां पद उसके दसवें पद से सात अधिक है, मतलब हो रहा है क्या कि कोई एक एपी था उस एपी में सत्रहवां जो पद था वो सत्रहवां पद से दसवें पद पर जो संख्या था उससे सात अधिक था, सात अधिक के था, सत्रहवां पद था ज्यादा, किससे, दसवां पद से, कैसे लिखेंगे टी सत्रह, मैंने सत्रहवां पद के सूचित करने के लिए क्या लिखेंगे टी सत्रह, और उसी प्रकार से लिखेंगे कि दसवां पद को सूचित करने के लिए क्या लिखेंगे टी तेन लिख देंगे, दोनों को बराबर थोड़ा फेरे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए बोल रहा है क्या कि दसवें पद से सात अधिक है, दसवें पद से सात अधिक है के सत्रहवां पद है, तो सत्रहवां पद जो है सात क्या ज्यादा है दसवें पद से ना, देखिए यहाँ पास बराबर है, तो बराबर के कहना क्या होता है कि
दायां पक्ष और सॉरी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या है बराबर होंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या होंगे हम लोग बराबर होंगे, संख्या में जो भी आएगा से क्या होगा बराबर होगा। लेकिन यहाँ पास बोल रहा है कि इस साथ ज्यादा है इस साथ क्या है कम है, तो जब साथ जब ये कम है तो हमको 17 के बराबर लाने के लिए, 17 के बराबर लाने के लिए अगर इसी में संख्या हम साथ जोड़ देंगे तो 17 के साथ बराबर 10 दसवां पद की संख्या हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या हम कर देंगे साथ इसमें हम जोड़ देंगे, या तो अगर मान लीजिए कि साथ क्या है कम है किससे, यानी कि साथ की कम है किससे 17वां पद से, तो इसमें यानी कि 10वें पद को बराबर लाने के लिए 17 में हम क्या करते हैं 17वां पद में क्या करते हैं कि 7 को हम घटा देंगे, तब 10वें पद पर जो संख्या आएगा वह 17वें पद की संख्या के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसको हम बराबर कर दिए हैं पास, तो इसी में हम 7 क्या जोड़ दिए हैं कि इसलिए जोड़े हैं कि 17वां पद के बराबर 10वें पद के संख्या आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यहां लिखिएगा कि 17वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 16d हो जाएगा बराबर 10वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 9d हो जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा। अब यहां पास देखिएगा कि a प्लस 16d ठीक ना, बराबर की साइड ना दोनों है, ठीक है बराबर की साइड दोनों है, तो सर इसको क्या है लाएंगे इस साइड, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 9d हो जाएगा, और बराबर में इस साथ इसको छोड़ देंगे। अब देखिए ये प्लस में भी माइनस में तो क्या हो गया कट गया, अब 16d में से 9d घटेगा तो कितना बचेगा 7d बचेगा, अब बराबर में 7 है तो 7 से 7 कट जाएगा तो d बराबर कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि पूछ रहा है क्या कि इसका सार अंतर क्या होगा, इसका सार अंतर कितना आ गया हमको 1 आ गया, देखिए अब आंसर हो गया। इसके लिख दीजिएगा कि अतः ठीक ना सार अंतर d बराबर कितना आ गया 1 आपका ही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वाला। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए जस्ट उसी प्रकार से भी है, हो रहा क्या कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से ठीक ना 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक ना। देखिए इसको क्या करते हैं, बोला क्या कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक जो होगा वह क्या होगा, इनवा पद क्या है 132 जो से मतलब अधिक है, 54वां पद से कौन ज्यादा है, तो इनवा पद क्या है हमको ज्यादा ही बोला कि कौन सा पद, तो कौन सा पद के मतलब क्या कि इनवा पद जो से क्या है 54वें पद से क्या हुँ? अधिक है, तो कितना अधिक है 132 अधिक है, और 54 जो है से इनवा पद से 132 जो है से क्या है कम है। यहां देखिए इसको कैसे लिखेगा, लिखेगा पहले सोल लिखेगा कि प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है सार अंतर क्या हो जाएगा सार अंतर डी, तो डी बराबर देखिए सर 15 में से 3 घटेगा ना, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद, तो 15 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 15 माइनस 3 बराबर कितना बचेगा जी 12 बचेगा, यानी डी का मान जो आएगा हमको कितना जाएगा 12 हमको आ जाएगा, ठीक ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न से, अब यहां देखिए इसमें क्या है कि इस एपी में कितना पद हमको मालूम नहीं है, ठीक ना इनवा पद बोल रहा है कि लास्ट टर्म तक गया है, ठीक है। लेकिन बात कर लेगा कि कौन सा पद जो है
उसके 54वें पद से 132 अधिक है, माने 54वां पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है कौन, इनवा पद से ज्यादा है, ठीक ना। और 54वां पद जो है 132 क्या है, कम है, किससे, इनवा पद से। इसको ऐसे लिखेंगे कि इनवा पद बराबर लिख देंगे कितना, 54वां पद इसको लिख रहा है, इनवा पद बराबर इसको लिख देंगे कौन सी, 54वां पद इसको लिख देंगे। अब बोला गया कि 54वां पद से 132 अधिक है, 54वां पद से 132 अधिक है कौन, इनवा पद ना अधिक है 132। तो इसका देखिए बीच में क्या बराबर का चिन्ह, जब बराबर का चिन्ह इसका कारण हो गया क्या कि जो इनवा पद जो होगा वह 54वां पद के क्या है, बराबर हो जाएगा, और जो 54वां जो पद जो होगा वह इनवा पद के क्या है, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि 132 अधिक ही है ना, तो इसको इसको बराबर लाने के लिए, इससे इसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, 132 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि 132 अधिक ही वाला है, और जब इसे जब इसमें 132 जोड़ देंगे तो इसके बराबर क्या है, 54 पद हमको आ जाएगा। न तो अगर 154 पद जो यानी कि 132 जो है से मतलब क्या है, इनवा पद से ही कम है, 132 जो है इनवा पद से ये कम न है 54 पद, तो इसमें क्या माइनस कर देंगे तो 54 पद के बराबर हो जाएगा हमको इनवा पद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं पहले। तो इनवा पद का जस्ट फॉर्मूला क्या होता है, होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, छोड़ दीजिए, बराबर 54वां पद का सूत्र क्या होता है, तो 54वां पद का आपका सूत्र होता है क्या, देखिए इसमें 54वां पद का जस्ट फॉर्मूला आपका होता है a प्लस 53 डी लिख देंगे, ठीक है, और प्लस में कितना 132 लिख देंगे। देखिए लिखेगा निकालना है इसमें को कौन सी एन निकालना है, ठीक ना, निकालना क्या है एन, ठीक ना, माने केवा पद जो है से क्या है, 54वां पद से हमको एनवा पद जो से मतलब क्या है, ज्यादा है, इतना ध्यान में रहे। तो ए है, ए बराबर देखिए कितना दिया है 3 प्लस एन नहीं है, एन निकालना है छोड़ देंगे, डी डी बराबर सर आपका कितना दिया है, देखिए आगे है निकल के 12 पुट कर देंगे, बराबर ए बराबर कितना है 3 प्लस 53 इंटू डी, डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर आपको दे दिया 12 प्लस 132 दिया, थोड़ा इसमें आप अपनी पोस्ट में से कर लेते हैं अच्छा लगेगा ऐसे। देखिए 3 प्लस 12 से गुना होगा दोनों में तो क्या हो जाएगा 12 एन हो जाएगा, 12 से गुना एन में तो 12 एन, और 12 से गुना होगा माइनस 1 में तो माइनस 12 बराबर। देखिए यहाँ पास क्या है 3 प्लस, अब 53 से गुना कर देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा 530, 530 होगा द्वितीय 6 हो जाएगा, और 5 गुना के 10 हो गया 636 हो जाएगा, कितना 636 प्लस 132। देखिए 12 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 9 बचेगा, प्लस में 12 एन बराबर 336 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 639 हो जाएगा, ठीक ना, और प्लस में 132। ध्यान रखिएगा कि 9 प्लस 12 एन बराबर, अब यहाँ देखिएगा कि दोनों प्लस में तो आपस में संख्या जुड़ जाएगा तो कितना 9 और 2 11 की 1 हो जाएगा, ठीक है, और 3 और 3 6 रेखा से लिया 7 हो जाएगा, अब फिर कितना बच गया ये 3 3 6 7 हो जाएगा, 671 हो गया, यहाँ 12 एन चाप लेंगे 771 और बराबर की साइड है माइनस 9 डाल देंगे उस साइड तो प्लस में जगह 9, ठीक है ना, तो 12 एन बराबर 9 एक 10 की 0 7 एक 8 7 की 7 यानी 780 हो गया। अब 12 से क्या करेंगे कि एन को चाप लेंगे 780 बटा कितना हो जाएगा 12, 12 से भागा दीजिए 780 में, एक बार में कटता है तो 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 हो गया 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा 78, ठीक ना, 78 का 6 बचेगा इसमें डाल देंगे तो 60, तो 12 पचे 60, तो लिख देंगे कि n बराबर कितना हमको आ गया 65, मतलब का नाम क्या हो गया हमको कि 65वां पद जो होगा वह 54वां पद से कितना ज्यादा होगा 132 अधिक हो जाएगा।
इसका नाम हो गया यही कि 65वां पद जो है ना वह 54वां पद से 132 क्या है ज्यादा है और 54वां पद जो है 65वां पद से 132 कम है, ये कम है, अभी 132 क्या है संख्या ज्यादा है, ठीक ना। इसको जांच भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बैठा के निकाल लीजिएगा तो आपको आ जाएगा। चलिए ध्यान लिख दीजिएगा कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, आंसर होगा मैंने 65वां पद जो से क्या है 54वें पद से क्या 132 अधिक है, ये आंसर होगा, ठीक है।